स्पाइडरमैन तो हर कोई अपने बचपन से देखता आ रहा है। किसी के लिए टॉब मैग्वायर वाला स्पाइडरमैन पहला था तो किसी के लिए एंड्रू गारफील्ड वाला। अभी की जनरेशन के लिए तो टॉम होलैंड है। टॉबी स्पाइडरमैन ने अभी तक 4 विलन्स का सामना करके उनको हरा रखा है, जो कि है गोब्लिन, डॉक ऑक, वेनम एंड सैंडमैन। एंड्रू ने भी 2 का सामना कर रखा है, जो कि है लिजर्ड एंड इलेक्ट्रो। राइनो को काउंट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, टॉम ने अभी तक 2 विलन्स को हरा रखा है, वल्चर और मिस्टीरियो। एंड गेम और नो वे होम को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि उसमें बाकी हीरोज ने भी हेल्प करी थी। अब बात आती है कि कौन है इनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल, तो स्ट्रेट आंसर रहेगा टॉम होलैंड। एवरीवन, अगर उसके पास स्टार्क टैक रहे तो बिना उसके रिजल्ट चेंज हो सकता है। हर स्पाइडरमैन अपनी अपनी फील्ड में माहिर है। जैसे टॉबी कितने सालों स्पाइडरमैन है तो उसने अपनी और स्पाइडरमैन लाइफ को एडजस्ट करना सीख लिया है, और एंड्रयू ने बिना रुके स्पाइडरमैन बनके क्राइम्स होने से रोका है, और टॉम ने जस्ट अभी आंट मे को खोया है, जिससे वो दोनों स्पाइडरमैन से अनएक्सपीरियंस माना जाएगा। बाकी आपको कौन सा स्पाइडरमैन पसंद है?